बेगैरत का लफ्ज जो है ये जी बड़ा मुहज्जब लफ्ज है, ये अखबंदा चटान उसी से सीख के आए हुए हैं। अगर इनका चेयरमैन इस तरह का बेगैरत ना हो तो अब ये ऐसी बातें ना करें, ऐसे ऐसे इस्तेमाल करें उस्मान भाई, ऐसे बातें ना करें। देखिए वो जवाब देंगे, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा कि कोई आदमी मेरी गवर्नमेंट को नौसरबाज कहे। जो खुद चोर हैं, डाकू हैं, कातिल हैं, जिनके ऊपर मुकदमात हैं, जो मुसद्दका डाकू हैं, जो लूट के पाकिस्तान खा गए, आपने शर्म आनी चाहिए। दोनों में भारी आ रहे हैं, देखिए उनको भी जरा जवाब देने दें। फरा साहब आप, मैं दुराता नहीं हूँ जो बात कर दी आपको दी। अमीर मैं भारी नहीं आना चाहता, अफसोस है। अब मेरा नंबर स्टार्ट हो चुका, तहम्मुल रखें। इखलाकियात की इस वक्त हमें माएं बहने बुजुर्ग और बच्चे सुन रहे हैं। आप अवाम की बात करें, आपसे पूछा जा रहा है कि एक साल की परफॉर्मेंस दें, मैं कितनी काबिल हूँ, मुझे कितनी इंफॉर्मेशन है, ये छोड़ दें। आपसे जब भी आवाम की बात की जाती है आप यही अंदाज अपनाते हैं। कायदे आजम अंग्रेजी में बात करते थे, जो कहते थे जो भी कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, वापस लेके आवाम का। और मेरी बात कौन रोक रहा है? आपकी जो रियासत मदीना है, मेरा पैसा दे जरा पढ़िए प्लीज, चुप हो जाइए। अब मेरा नंबर है, मैं आपके नंबर में नहीं बोली। अरब रुपया लूट के आप खा गए हैं, चौबीस हजार अरब रुपया लूटा है। सबर से सुन रहे हैं, सबर रखें, सबर रखें। आपके इस पंजाब में आपके हेल्थ डिपार्टमेंट में 9000 इलीगल ट्रांसफर्स हुए हैं जिनाबे वाला। अगर अब मैं शुरू हो जाऊं तो फिर मैं अमीर साहब से कहूंगी कि मुझे 9 बजे तक वक्त दें ताकि मैं एक दो में लगी रहूं। मुझे ये बताएं, आपके दौर में मजदूर घर से निकल रहा है, वो भूखा निकल रहा है, वो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहा है। तो मुझे ये बताइए, स्कूलों से निकाले जा रहे हैं, जब फीस भरते हैं तो खाने के लिए कुछ नहीं होता। ताजर बिरादरी सरापा एहतजाज है आपकी वजह से, बताएं मुझे। हाँ, खाने के लिए कुछ नहीं है, नवाज शरीफ भूखा मर रहा है, 82% पे आपने मुल्क खड़ा कर दिया है, कुछ नहीं है आपको, देंगे इंशाल्लाह खाने के लिए। आप अवाम के गमखोर नहीं है, आप अपनी जेबें भर रहे हैं और अपने कर्ता धर्ता को छुपाए जा रहे हैं। ये 100 दिन वाले जो वादे आपने किए थे वो पूरी करें खातून, इन बातों से नवाज शरीफ लूट के जेब में भर के ले गए, उसकी जेब से मानव जपा हेलीकॉप्टर के, कौन का पैसा निकाला उसकी जेबों से, कौन बताएगा लुआइस बताया छुपे उससे निकालो। अवाम की बात करें, अवाम को रिलीफ दें। इस वक्त आपने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है। अवाम के 24000 अरब रुपए की बात कर रहा हूँ, फ्रंट पे हमारी क्या हालत है? अवाम का पैसा वापस करें। अच्छा वो चोर चल रहा है, उसे जरा तीसरे फरीक शरीफ से पूछे, चोर से तीसरे फरीक को जरा शामिल कर लेते हैं। हम 2016 में IMF प्रोग्राम वापस कर चुके, हम जैसे ही आए थे फर्स्ट क्वार्टर में, हम 2016 आपकी बारी है सर। अमीर अब्बास साहब अगर वाकई बसरा साहब सच्चा है तो 10 साल उन्होंने न्याजी के बारे में जो कुछ कहा है वो रिकॉर्ड पे है, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। अगर वाकई वो लूट का पैसा है तो बसरा साहब आपको याद होगा कि आज आप में जो जान है और जो जबान है वो इस लूट के पैसे से है, क्योंकि इस लूट के पैसे में आपको जख्मी हालात में जहाज में डाल के कराची लेके गया था, वही लूट के पैसे से आपका इलाज हुआ था, वही लूट के पैसे से आज आप जिंदा है। नमक हरामी का भी एक हद होता है। जहां तक मेरी चेयरमैन का ताल्लुक है तो मेरी चेयरमैन से आप जिस तरीके से मिलते थे, हम और आप तो साथ साथ होते थे ना, तो अगर आप इतनी जरूरतमंद है, आपको पता था कि ये चिट्ठी पे बना है, ये ता नहीं बोल सकते, ये ती नहीं बोल सकता है, झूठी झूठी इसके सामने एक चिट्ठी पे अब मेरा जबान नहीं खोलो। आपको भी पता है कि मुझे सारी चीजों का भी पता है और मुझे भी पता है, मुझे जवाब दे दे पीटीआई जवाब दे दे कि एक साल में आप लोगों ने क्या किया, क्या लूट का पैसा वापस लेके आए, करप्शन को आपने खत्म किया, आपने महंगाई को खत्म किया, आप सुन लीजिए एक साल में क्या किया, दी लोगों को घर दी, मैं बताता हूँ क्या आप लोगों ने दी, सुन लीजिए। और ये झूठ और सच की बातें तो आपको ये भी नहीं देते हैं कि आपका जिस इंसान का कोई जमीर नहीं हो,
जिसको कल नऊज़ु बिल्ला पैगंबर का दर्जा दे दे और पीपल्स पार्टी होता है जिसका जमीर नहीं है वो पीपल्स पार्टी में है और जिसका जमीर गल सड़ गया वो नून लीग में। ये नौसरबाज का लफ्ज तो आप नियाजी के लिए इस्तेमाल करते थे, हमने तो नियाजी की बीवी की अभी तक बात नहीं की है, इसकी बेटी का अभी तक बात नहीं किया, फिर वो जवाब देंगे ऐसा इसकी बीवी तक पहुंच जाते थे। इमरान के बारे में आप क्या देखिए, बीवी बर्बादी को टाइम पे आप में होश नहीं था। अच्छा सुने सुने, ये अमीर अब्बास था, अब ये अमीर अब्बास इनको जरा थोड़े से होश के नाखून दिलाएं, इनको बताएं मैं उस्मान बसरा हूं, शौकत बसरा समझ रहे हैं आप गाली दे रहे हैं, पहले इनको तो बता तो दें इस जबान से आपने इसके क्या क्या तारीफ की है। और चटान साहब मैं शौकत सरदारी साहब का जो गाना है इसके साथ मैं उस्मान बसरा बैठा हूं भाई, आप डांस कर रहे हैं और किधर का मुंह गाने चल पड़े हैं, सारे लोग उसको देख रहे हैं, सारे लोग बसरा उसको कल तो इसके सामने आप इसके गाने के सामने आप डांस कर रहे थे, आप नाच रहे थे जरदारी के गाने के सामने, आपके सारे शो का नैरेटिव खराब हो रहा है। आज चौटान साहब ये समझ रहे हैं आपको मुश्किल बनने का समझ रहे हैं कि शौकत बसरा के मुखातिब हैं, इनको पानी पिलाएं थोड़ा ज्यादा पानी लगाएं। उस्मान बसरा भाई इमरान नियाजी को सिलेक्टेड वजीर आजम को एक एक गाली आपका याद है कि आपने उसको क्या क्या गालियां दी हैं। चौटान भाई कराची का क्या क्या बात ही सुनाई है, पता नहीं है कराची का मीडिया पे है, कराची का मसला जो है भाई इनको बताएं, इधर आप घूमते हैं ना, खान साहब ने वादा किया था कराची के बारे में, अभी तक खान साहब का वादा पूरा नहीं हुआ, वीडियो लोग आपकी हुकूमत है कराची तो आप जैसे बात आप जैसे इंसान का तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, आपके कहने का कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, आप तो इशारे का आदमी है, कल वहां पे नाच रही थी जरदारी के गाने के सामने नाच रही थी, आज अच्छा के गाने के सामने नाच रही है, आप क्या बात करते हैं फरा साहब, क्या फरा खान को कहते हैं कि आपने झूठ बोला, दुनिया में आपसे बड़ा झूठा कोई है, मैं उस बात कोई है उस बात सरबाज कोई है, जिस बंदी की वजह से जिसका नमक आप सुबह और शाम खाते थे, सुबह और शाम आप जरदारी साहब का नमक ना ये नमक हरामी नमक आज आज उनको आप गालियां दे रहे हैं, जिस चेयरमैन के सामने आप झुक के मैं आपके सामने झुका नहीं हूँ, अच्छा जरा सलाम करते हैं हाथ क्या हो गया आप तो झुक जाते हैं, आवाज मेरा गला आवाज नहीं आ रही नहीं है आज इसका अच्छा, था और ती देख रहे अच्छा, उस्मान बसरा साहब तरह क्या बात करते हैं, उस्मान बसरा साहब मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब ने वादा किया था वो कराची गए भी हैं, सरदारी साहब के गाने के सामने आप नहीं नाचे, कम से कम दो दफा कराची यार, गए यार अमीर अब्बास साहब काइंडली रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ, आपने अपनी रिसर्च टीम से कहे कि ये बसरा जो जरदारी साहब के गाने के सामने नाच रहे हैं एक क्लिप चलाए डांस को दिखाए दिखाए शौकत बसरा है।